नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश के यूपी एडिशन में। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 6 चरण पूरे हो चुके हैं, महज 1 चरण यानी कि 7वां चरण बाकी है, जिसको लेकर तमाम दाव पेश, तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार कर रही हैं। बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े रोड शो किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, ताकि जनता को कैसे भी करके अपने पक्ष में लाया जाए। तो 7वां चरण है जिसको लेकर तैयारियां पुरजोर देखी जा रही है। ऐसे में जौनपुर में भी मतदान होना है 7वें चरण में, और यहां की शाहगंज विधानसभा सीट जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार शाहगंज विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता को तय करना है। 2017 में शाहगंज में कुल 31.65% वोट पड़े थे, यानी कि बहुत ही कम वोटिंग प्रतिशत इसे माना जाएगा। 2017 में समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र यादव लाली ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राणा अजीत प्रताप सिंह को 9000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हराया था। शाहगंज विधानसभा सीट जौनपुर के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं श्याम सिंह यादव, जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केपी सिंह को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में शाहगंज विधानसभा सीट सबसे अहम हो जाती है। यहां पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलती है। कुछ तस्वीरें देखिए, आगे फिर शाहगंज को और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी भी यहां से जुड़ेंगे, आम जनता से भी आपका तात्पर्य कराएंगे, आम जनता से भी आपका परिचय कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस तरह की सुविधाओं से वंचित है और क्या क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है, और 5 सालों में कितना शाहगंज का विकास हुआ है। तो शाहगंज विधानसभा सीट सबसे अहम मानी जाती है। वैसे तो जातीय गणित और आंकड़ों के हिसाब से ये सीट बसपा की है, लेकिन पिछले 2 दशक से सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में सीट पर अब की बार समाजवादी पार्टी के लिए जीत की राह आसान नहीं है। बता दें कि 7 मार्च को जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मेरे सहयोगी ऋषि जौनपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, आम जनता भी उनके साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हालात हैं और क्या तैयारियां हैं और जनता ने क्या मूड बनाया है। ऋषि, जौनपुर की शाहगंज विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण, दशकों से यहाँ पर सपा का कब्जा रहा, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर, परिणाम जाते हुए पूरी तरह से 100% सपा की तरफ नहीं नजर आ रहे हैं। ऋषि, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ऋषि, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो ऋषि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो शाहगंज विधानसभा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें कैसी है ये भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण उस तरह से नहीं हो पाया है जिसके वादे और दावे किए गए थे। इसके अलावा 10 मार्च को नतीजे आने हैं, और ऐसे में इस सीट पर किसका कब्जा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शाहगंज की जनता बिजली, पानी, सड़क, रोजगार जैसी समस्याओं से निजात पाने की उम्मीद में अब की बार अपना विधायक किसे चुनती है, ये सबसे बड़ा सवाल। शाहगंज सीट पर सपा का कब्जा रहा है। बता दूं कि शाहगंज सीट 2 दशक से समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। तीसरी बार सपा ने शाहगंज से विधायक शैलेंद्र यादव ललई को, और बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह के बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बसपा ने समाजवादी पार्टी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए इस बार यादव बिरादरी में मजबूत पकड़ रखने वाले चेहरे पर दाव खेला है। बीएसपी ने शाहगंज से लगातार 2 बार सपा विधायक रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री शैलेंद्र यादव ललई की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्रदेव यादव को मैदान में उतार दिया है। कांटे की टक्कर दोनों के बीच देखी जाती है, दोनों ही अच्छा अच्छा वर्चस्व यहां पर रखते हैं। तो ऐसे में किसके पाले में ये सीट जा रही है, महत्वपूर्ण सवाल है। खैर, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन यहां पर कितनी मजबूती के साथ कौन टिका हुआ है ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। जौनपुर से मेरे सहयोगी ऋषि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। ऋषि, दशकों से सपा इस सीट पर रही है, कब्जा किए हुए है, लेकिन इस बार टक्कर काटेगी क्योंकि बीएसपी ने भी यादव चेहरे को मैदान में उतारा है इस बार। जी मैम, बिल्कुल आपको बता दूं, जौनपुर में कुल 9 विधानसभा सीट है और इस वक्त शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पे जनता के हम राय जानना चाहेंगे। इस बार यार सपा
क्या विकास की क्षेत्र में क्या विकास सीधे जनता सीट से बीजेपी ही निशाना गठबंधन के रमेश सिंह तो वही से इंद्रदेव यादव और सबसे शैलेंद्र यादव ललित ने अपने प्रत्याशी उतार तो फिलहाल जनता से जानना चाहेंगे कि क्या कर रहा है। बिल्कुल ऋषि, और आम जनता भी मेरे साथ जुड़ी हुई है तो उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या है। सर बताइए क्या मुद्दे हैं आपके और कौन कौन सी समस्या है जिसे निजात पाने के लिए इस बार जनता अपना विधायक चुनने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यहाँ पे न कोई अच्छा नेता है और न कोई अच्छा काम करने वाला है। दशकों से सपा का गढ़ है, दशकों से सपा का गढ़ है तो ऐसे में इस बार क्या सोचा है? अगर विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर दशकों तक कैसे सीट पर बने रहे? दशकों तक यहाँ जाति समीकरण ऐसा है कि मजबूरन उनकी सरकार बन जाती है, बट जो है मौजूदा सरकार बदलने की तैयारी में है। यहाँ सपा को छोड़ के भाजपा की तैयारी में कदम उठ चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ से इस बार उम्मीद यही है कि भाजपा की सरकार आएगी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने के लिए एक और यहाँ पर आम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सर आप बताइए क्या तैयारियां हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने की तैयारी कर चुके हैं? निश्चित तौर पर सागर विधानसभा पहले अपना नाम बताइएगा सर पहले अपना नाम बताइएगा विक्रम सिंह जी सिंह साहब बताइए। ये सागंज अयोध्या और काशी के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर अयोध्या है और 100 किलोमीटर काशी है। तो ये विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ से चार जनपद की सीमाएं लगती है, लेकिन आजादी के बाद से यहाँ पर विकास का काम ढंग से नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि होता है उसका दायित्व होता है कि वो क्षेत्र का नेतृत्व करे और जो भी सरकार प्रदेश की सत्ता में रहे जी। वहाँ पर अपनी बातों को रखकर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का विकास करें। लेकिन यहाँ पर चार बार से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस बीच में सरकार में नहीं आई, दो दो बार समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही, लेकिन विकास की बात अगर की जाए तो सहागंज में विकास का काम नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि इस बार मैदान में है और यहाँ से विधायक भी 2017 में चुने गए बीजेपी कि उस समय लहर थी, लेकिन इस सीट पर शैलेंद्र यादव ललई को वो नहीं दिखा पाए, वो बरकरार रहे सीट पर। दरअसल 5 सालों में कितना विकास किया उन्होंने? देखिए विकास तो नहीं हुआ, दरअसल जो चुनाव परिणाम है इसमें विकास उकास की बातें ये काफी पीछे छूट जाती है और जाति और धर्म का जो मुद्दा होता है यह मतदान के दिन काफी हावी हो जाता है। और यही वजह है कि जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं विकास की बातों को पीछे फेर कर जाति और धर्म की बात करके लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और चुनाव परिणाम मतलब चुनाव जीत जाते हैं। यही वजह है अगर लोग विकास के नाम पर वास्तव में मतदान करने लगे और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लोग वोट करें तो मेरा मानना है कि विकास करने के लिए हर जनप्रतिनिधि हर सरकार गंभीर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि जनता खुद इसके लिए जिम्मेदार है, वो विकास की बात तो करती है लेकिन जब मतदान करने जाती है तो उस दिन उसका विकास की बात उसके वो पीछे छोड़ देती है और जाति और धर्म के आधार के नाम के आधार पर वोट करती है। यही वजह है कि सागंज विधानसभा क्षेत्र पीछे है, यहाँ के लोगों को विकास चाहिए और इस चुनाव में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि लोग विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। ऐसा क्षेत्र में दिखाई दे रहा, लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो है काफी दिनों से हम लोगों का काम नहीं हुआ है तो इस बार एक परिवर्तन किया जाए जिससे कि किसी और को मौका मिले और देखा जाए कि ये किस तरह से तो किसी और को मौका देने की यहाँ पर तैयारी आम जनता ने कर ली है। किस पर विश्वास जता पा रहे हैं? परवेज आलम कांग्रेस से प्रत्याशी है, इंद्रदेव यादव बसपा से प्रत्याशी है,
देखिए निश्चित तौर पर विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सत्ता से जुड़ाव भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब जिस पार्टी की प्रदेश में सत्ता होती है उस पार्टी का अगर विधायक होता है या उससे संबंधित विधायक होता है तो विकास के काम वो ज्यादा करवा पाता है या सरकार उधर ज्यादा ध्यान देती है, ऐसा ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी दल के जो मतलब विधायक होते हैं उन क्षेत्रों में काम कम होता है। तो उत्तर प्रदेश में दो धुरी इस समय बने हुए हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दो धुरी के बीच में ही मतदान हो रहा है। तो ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी को कई बार लोग देख चुके हैं तो लोगों को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मौका दिया जाए, उसके गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पर रमेश पार्टी के उम्मीदवार को मौका दिया, अगर मौका दिया जाए तो बेहतरी हो सकती है, तो आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है, आप ऐसे समझ पा रहे हैं? अगर हाँ निश्चित, देखिए निश्चित तौर पर लोगों को यह लग रहा है कि अगर ये जीतते हैं और कहीं योगी जी दोबारा मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं तो निश्चित तौर पर क्योंकि सत्ता से जुड़े रहेंगे तो हो सकता है विकास ये करें, क्योंकि नया चेहरा है, पहली बार आए हैं तो लोगों को उम्मीदें भी ज्यादा है। अब ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, 5 साल बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि जो जनता इनसे उम्मीद कर रही है उससे ये कितना खराब उतरते हैं। ऋषि देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सपा को कड़ी टक्कर देने के लिए बसपा ने भी एक मजबूत चेहरा मैदान में उतारा है, इंद्रदेव यादव जो कि यादव समाज से आते हैं, और क्योंकि ललई भी यहाँ पर यादव समाज से हैं तो कांटे की टक्कर है। इसके अलावा निषाद पार्टी जो भाजपा की सहयोगी दल है उन्होंने भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारा है तो वो भी एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा परवेज आलम भुट्टो जो मुसलमान आबादी है वहां की, उनको साधने की कोशिश यहाँ पुरजोर की जा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सभी प्रत्याशी जो हैं वो अपनी मजबूत दावेदारी रखते हैं, ऐसे में जनता के लिए कितना मुश्किल है इनमें से किसी एक को चुनना? जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास चाहिए, पिछले कई सालों से विकास नहीं हुआ, तो उन्होंने लोगों का कहना है कि यह जनता कहती है कि हम इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, अगर क्षेत्र में विकास होता है तो हम उसे ही अपना जनता जो लोगों को चुनती है तो जनता जो विकास होगा लोग उसे ही चुनेंगे। तो फिर यहाँ पर बीजेपी और निशा पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह काफी ज्यादा जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें सहयोग देते हैं तो इस क्षेत्र में विकास होगा फिलहाल। और परवेज आलम भुट्टो की बात कहें तो उन्होंने भी अपनी पूरी जी जान कोशिश कर दी है, दोपहरी लेके पूरी दिन रात अच्छे से जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं, तो वहीं काफी लोग प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी हैं सभी अपने जी जान से लगे हैं, तो फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसे अपना चुनती है। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर यादव आबादी कितनी है और मुस्लिम आबादी कितनी है पहले तो ये बताइए। ऋषि आवाज आ रही है मेरी? तो ऋषि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, आम जनता से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए सर, आप लगातार बता रहे थे कि ये समस्याएं हैं, इस बार जनता जो है नए चेहरे को मौका देने की कोशिश कर रही है, और अगर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपका क्षेत्र का विकास होना निश्चित है, ये आप मानते हैं। लेकिन जो दूसरे एक और जनाब हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक और आम जनता बैठी हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं लेकिन किस पर विश्वास जताया जाए ये आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सर आपसे पूछूंगी, इंद्रदेव यादव, परवेज आलम, शैलेंद्र यादव ललई या बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी, किसके साथ आम जनता जाती हुई नजर आ रही है? और उनको प्रत्याशी हम देख चुके हैं जो वर्तमान विधायक है उन्होंने क्या किया, पिछले दो दशक से यहाँ पे विधायक है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और पिछली कांग्रेस की सरकार थी ये मौजूदा ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, इस आयु के लिए कुछ रहने के बाद जो सागन के लिए कुछ ना कर पाए उसको चुनने की कोई जरूरत नहीं, से भाजपा गठबंधन पार्टी है उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए उनसे भी हम आशा रखते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में तक और हमारी बातें आगे तक पहुंचाएं।
ठीक है, यहाँ यहाँ एक मिनट के लिए मैं रोकूंगी, कुछ टेक्निकल समस्या है जिस वजह से आवाज जो है आप लोगों की वो मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जौनपुर शाहगंज विधानसभा सीट पर चुनावी मूड क्या है आम जनता के जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से बातचीत हम अपने सहयोगियों से नहीं कर पा रहे हैं। जिसको जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं और यहां से बड़े चेहरे मैदान में कांटे की टक्कर सभी के बीच, लेकिन इस बार सपा जो कि दशकों से यहां पर इस सीट पर तैनात है उसे उखाड़ फेंकने का दम भरती हुई बसपा और बीजेपी और कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी से यहां उम्मीदवार बनाए हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी परवेज आलम भुट्टो जो कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी लगा रहे हैं, इसलिए इस बार सपा की जगह शाहगंज में बसपा ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो साइलेंट वोटर है वो बसपा की ओर जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसा कि हम आम जनता से बातचीत कर रहे थे, आम जनता का साफ तौर पर कह रहा है कि दशकों से यहां पर सिर्फ जाते के नाम पर वोट पड़ताया है, लेकिन इस बार जनता ने मूड बनाया है कि विकास के नाम पर वोट दिया जाए। क्या विकास हुआ है? बिजली, पानी, सड़कों की समस्याएं, महंगाई, ये समस्या लगातार इनके साथ बनी हुई है, उस पर कौन ज्यादा नजर डाल रहा है, कौन उनके दावों को उनके वादों को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये आम जनता ने मन बना लिया है। ऋषि लगातार मेरे साथ बने हुए, आम जनता लगातार मेरे साथ बनी हुई, उनका एक बार फिर से हम रुख करेंगे। सर, आप बता रहे थे कि ये आपकी समस्याएं हैं और इस बार आप देख रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो सिर्फ जाति पर, जाति के आधार पर वोट ना देकर अब विकास के नाम पर वोट दे रही है, तो ऐसे में चारों ही प्रत्याशी मजबूत है लेकिन बसपा बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दलित वोटर यहां पर कितने हैं ये भी मैं जानने की कोशिश कर रही हूं। ऋषि, पहले ये बताइए, उसके बाद फिर आम जनता के पास हम उनका रुख करेंगे। तो ऋषि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इस टेक्निकल। जी मैम आ गई। ऋषि बताइए, इस बार बसपा ज्यादा मजबूत नजर आ रही है सपा से, दलित वोट क्या कह रहा है, जाति के आधार पर यहाँ पर लगातार वोट डलता आया है, आम जनता खुद बता रही है। जी मैम, इनका जनता का कहना है कि इस बार इसके आधार पर वोट पड़ता है, फिलहाल खुद जनता का ये भी कहना है कि इस बार क्षेत्र में विकास पे ही वोट पड़ेगा, तो अगर जनता विकास चाहती है, मैम यहाँ की जनता विकास चाहती है, अगर लोगों का कहना है कि अगर विकास हो रहा है तो इस बार वोट उन्हीं के जाएगा, फिलहाल इस पर समस्या थी अपने चुनाव प्रचार में जान झोंक दिए हैं, तो वहीं लोगों का कहना है इस क्षेत्र में विकास चाहिए, तो वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी के निषाद पार्टी गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह ने जनसंपर्क में कहा था अगर आप मुझे सहयोग दे रहे हैं तो फिलहाल मैं विकास कराऊंगा, तो वहीं परवेज आलम भुट्टो ने भी कहा था कि जनसंपर्क में मैं इस पर क्षेत्र में विकास चाहता हूं, अगर आप मुझे सहयोग देते हैं तो इस पर बाईपास बड़ी मुद्दा है। निषाद सभा से जो लोग आते हैं उनकी संख्या कितनी है विधानसभा में? मैम हेलो, ऋषि क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक? तो चलिए ठीक है, टेक्निकल समस्या है जिसकी वजह से लगातार संपर्क कोशिश कर रहे हैं करने की लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल जौनपुर की शाहगंज विधानसभा सीट को हम समझने की कोशिश कर रहे थे जहां पर मुकाबला इस बार कांटे का है, टक्कर का है, सपा जो कि दशकों से यहां पर रही है और एक मजबूत पकड़ यहां पर सपा ने बनाई हुई है, क्योंकि जब 2017 में मोदी योगी लहर थी तब भी इस पर सेंधमारी तो यही कोशिश लगातार तमाम पार्टियां कर रही हैं कि कैसे भी करके सपा के इस किले को भेदा जाए और बसपा इस बार मजबूत यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि दशकों से विधायक रहे हैं सपा के लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करवाया है, ऐसे में इस बार जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर आम जनता ने मतदान करने का पूरा मन बना लिया है। 7 मार्च को यहां पर वोट डाले जाएंगे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ऐसे में देखना होगा कि सीट पर किसका परचम लहराता है। फिलहाल के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।